मौसम्मी को किस तरह से खाएं? मौसम्मी को तीन टुकड़े में काट लीजिए, तीन बड़े बड़े टुकड़े इस तरह से। उसके बाद इसके दो टुकड़े कर लीजिए इस तरह से, और इस टुकड़े को खाइए नमक लगा के, बहुत टेस्टी लगेगा। जूसर मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी रूही खा रही है। खा के दिखाओ रूही, कैसे खाते हैं? ये खाना है? आप दुकान पे जाके मौसम्मी का जूस बनवा के पीते हैं तो उसमें उसके बीज भी पिस जाते हैं, जिसके कारण वो कड़वा हो जाता है। साथ साथ में आप जब खुद से काट के खाएंगे तो ये तुरंत का काटा हुआ तुरंत आप जूस का आनंद ले सकते हैं। ये दोनों के टेस्ट में बहुत अंतर होता है। प्लस यदि आप जूस को निकाल के थोड़ा देर के लिए भी छोड़ देते हैं तो आपका जूस ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण वो कड़वा हो जाता है। तो जूस को तुरंत पीना चाहिए, काटने के बाद देर तक रोकना नहीं चाहिए। अब हम लोगों ने मौसम्मी को इस तरह से काट के रखा है, अभी हम लोग चारों लोग मिलकर के इसे तुरंत खत्म कर देंगे खा करके। और इसे खाने में कुछ मेहनत भी नहीं है, बहुत आसानी से खाया जा सकता है। खाने के बाद इस तरह से पूरा जूस आपका, कोई बर्बादी नहीं है। ये लो, अच्छा लग रहा है? घर में बिना जूसर के मौसम्मी का जूस कैसे पिए?